आप लोग ने मेरे केक्स तो बहुत देखे होंगे वीडियोस। अब से मैं अपने डेली रूटीन में जो केक्स पेस्ट्री वगैरह बनाती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में मैं अपना एक छोटी सी बेकरी चलाती हूँ, और मैं कैसे घर और बेकरी कैसे मैनेज करती दिखाऊंगी। मैं बस अपनी प्रोफेशनल लाइफ दिखाऊंगी, अक्सर शेयर करूँगी कि मैं दिन भर में कैसे केक्स वगैरह सब बनाती हूँ, मेरा दिन कैसे जाता है, वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। चलिए मिलकर बनाते हैं। अभी मैं रसमलाई पेस्ट्रीज बना रही हूँ डिस्प्ले के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रसमलाई पेस्ट्री बनाई थी, अब मैं चॉकलेट पेस्ट्री बनाने वाली हूँ। फिर मैं बहुत सारे केक्स भी बनाऊंगी डिस्प्ले के लिए। चलिए हम चॉकलेट पेस्ट्री बनाते हैं, आप देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। हाउसवाइफ ऐसे हैं जो कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, उनका कुछ टैलेंट है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टैलेंट, इसको यूज़ कीजिए, कुछ क्रिएटिव करिए, जिससे आपका टाइम पास भी होगा, आपकी अर्निंग भी होगी। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए, उसको यूज़ में लाइए टाइम को, अपना जो हुनर है उसको दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री।
अब मैं ड्राई फ्रूट पेस्ट्री बनाने वाली हूँ। मेरी सारी पेस्ट्रीज बन के रेडी हो गई हैं। अब मैं काउंटर केक बना रही हूँ जो डिस्प्ले में रहते हैं, डिस्प्ले केक 1 पाउंड के, ये हाफ के जी बोल लो 1 पाउंड बोल रहा हूँ जो केक डिस्प्ले में रहते हैं वो बनाने जा रही हूँ मैं। चॉकलेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट, फिर पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, सारे 1 पाउंड के केक जो हम अपने डिस्प्ले में रखते हैं केक्स को सेल के लिए। ये सारे केक मेरे एवरीडे बनते हैं, हर दिन में डिस्प्ले केक, पेस्ट्रीज, ये सब मेरा एवरीडे का काम है जो मैं करती हूँ। जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे घर भी संभालना होता है, मेरे 2 बच्चे हैं उन्हें भी देखना होता है, तो ये काम मैं अकेले तो इतना काम मैनेज नहीं कर सकती। मैंने अपने साथ एक हाउस हेल्प भी रखी हुई है और मेरी बेकरी के भी काम के लिए मैंने रखा हुआ है स्टाफ को जो मेरे साथ हेल्प करवाता है, मैंने उन्हें भी सिखाया हुआ है, वो साथ में मेरे साथ साथ बनाते रहते हैं और मैं सारा देखती हूँ कैसे करना है, क्या बनाना है, मेरे साथ में वो पूरी हेल्प करवाती है मेरी स्टाफ, क्योंकि अकेले इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ में, खास करके छोटे बच्चे हैं मेरे 2। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ में, सब्सक्राइब कीजिए, आप इस वीडियोस को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लेडीज़ लोग मुझे देख के मोटिवेट हो सकें, वो भी कुछ करें, अपने घर पे ही रह के आप कुछ करिए, अपने टाइम को यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए, जिससे आपकी अर्निंग भी होगी और आप अपने घर में हेल्प भी कर सकते हैं फाइनेंशियली। अब आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो मैंने अपना जो फाइनल मेरा प्रोडक्ट जो बन के रेडी हुआ था, मेरे काउंटर केक्स वगैरह, वो मैंने आपको सब दिखा दिए हैं। ये मेरे सब फाइनल जो मेरे बन के रेडी हो गए थे, जो डिस्प्ले में अभी लगने वाले थे, वो सब मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये सब मैं बना के मैंने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अगर मैं सारा बन दिखाती डिटेल में तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। ब्लैक फॉरेस्ट है, चॉकलेट केक है, फिर पिज़्ज़ा वगैरह था जो मैंने नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था और फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना था, टाइम हो रहा था बहुत, तो इसलिए पिज़्ज़ा का मैं नहीं दिखा पाई आपको, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी पिज़्ज़ा का। ये स्ट्रॉबेरी केक है और एक रसमलाई केक मैंने 1 पाउंड का बनाया था। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।